अगर आप आधार कार्ड से पैसा निकालते हैं, कभी कभी आधार कार्ड से पैसा निकालने के समय सर्वर डाउन हो जाता है या फिर डिजी पे लॉग आउट हो जाता है, उस समय पता नहीं चलता है कस्टमर का पैसा निकला या नहीं निकला। उसे कैसे चेक करेंगे, पुराना लेन देन कैसे देखेंगे, पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। वीडियो को अंत तक पूरा देखेंगे। अगर आप आधार कार्ड से पैसा निकालना नहीं जानते हैं तो उससे जुड़े सभी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, तो उसे आप एक बार देख लीजिएगा। आधार विड्रॉल चेक करने के लिए ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में जाएंगे, उसके बाद AEPS वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, किस ऑप्शन से आप पैसा निकाल रहे थे, डेट सिलेक्ट करेंगे, किस डेट से किस डेट तक का हमको देखना है। हमको कैश विड्रॉल का चेक करना है तो यहाँ पर ऑल पे हम कैश विड्रॉल को सिलेक्ट करेंगे। स्टेटस में यहाँ पर ऑल सेलेक्ट है तो यहाँ पर हम सक्सेस वाला को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम सक्सेस वाला को देखना चाहते हैं लेन देन। सबमिट पे क्लिक कर देंगे, इस तरह से डिटेल्स ओपन हो जाएगा। इसे आप चाहे तो एक्सेल फाइल में डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके। हमको अभी डाउनलोड नहीं करना है। नीचे आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन का संख्या यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। कितना संख्या को आप देखेंगे, पेज का संख्या अधिक होने पर यहाँ पर आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कस्टमर का कितना कैश विड्रॉल किए हैं और वो कौन सा बैंक का है। कस्टमर का आधार नंबर का लास्ट 4 डिजिट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस तरह से आप जान सकते हैं कि कस्टमर का पैसा कितना अमाउंट निकला है, कौन सा बैंक से निकला है और कौन कस्टमर का पैसा निकासी किए हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे इसमें आपको कितना कमीशन मिलता है।